केन्द्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बड़ घोषणा अक्टोबर आरंभ हो संबलपुर और भुवनेश्वर रिंग रोड निर्माण काम संबलपुर में बहुप्रतीक्षित रिंग रोड निर्माण में 1333 कोटी टंका खर्च करे मोदी सरकार ओडिशा निर्माणाधीन और मंजूर प्राप्त जातीय राजपथ प्रकल्प नहीं दे सूचना ओडिशा की राजधानी है और भुवनेश्वर के रिंग रोड के लिए 111 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड जिसकी लागत 6500 करोड़ रुपए है इसका निर्माण कार्य अक्टूबर से शुरू होगा ये भी घोषणा मैं आज कर रहा हूँ। ये हाईवे बनने से भुवनेश्वर कटक खुर्दा आने जाने वालों का करीब 1.5 घंटे समय बचेगा। संबलपुर के लिए 35 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड की लागत 1333 करोड़ रुपए है और इसका भी निर्माण अक्टूबर 2024 में शुरू हो जाएगा और ये रिंग रोड बनने से कटक राउरकेला से आने वाला ट्रैफिक बाहर से निकल जाएगा। ओडिशा की ताकत अगर कोई है तो ओडिशा के पोर्ट में है। मैं पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए हमारे विभाग ने विशेष प्रोग्राम तैयार किया है। रतनपुर से दीघा 6 लेन रोड 8000 करोड़ रुपए का 171 किलोमीटर धामरा पोर्ट की कनेक्टिविटी इससे अच्छी होगी। डीपीआर बन गया है और चुनाव के बाद इसके कार्य का शुभारंभ होगा। रामेश्वर पुरी कोणार्क पारादीप से रतनपुर 4 लेन ये 8500 करोड़ का 177 किलोमीटर लॉन्ग जिससे पारादीप और धामरा पोर्ट की कनेक्टिविटी अच्छी होगी इसका भी डीपीआर पूरा हुआ है और अक्टूबर में इसका भी काम शुरू होगा। जमुझड़ी से घामरा पोर्ट 4 लेन ग्रीनफील्ड यानी नया रोड बना रहे 2000 करोड़ की लागत से 65 किलोमीटर इसका डीपीआर पूरा हुआ है। ओडिशा में मैं 3 लाख करोड़ रुपए रोड के डेवलपमेंट के लिए ओडिशा में खर्चा कर रहा हूँ और मेरा विश्वास है कि इससे ओडिशा की बहुत प्रगति होगी। मैं विशेष रूप से मुझे पता है कि आप लोगों की मेरे से क्या क्या अपेक्षा है और मैं तैयारी करके आया हूँ और आखिर में उस पर बात करूंगा पर उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि रायपुर से विशाखापट्टनम तक मैं 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा हूं जिसकी लागत 25000 करोड़ रुपए है 465 किलोमीटर की उसकी लेंथ है 240 किलोमीटर ओडिशा में 68% काम पूरा हुआ है और दिसंबर तक इस हाईवे का काम पूरा होगा और जिससे ये करीब 7 घंटे का समय बचेगा ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। मुंबई से कलकत्ता 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो 25000 करोड़ का है 1760 किलोमीटर ओडिशा में 450 किलोमीटर ओडिशा में आता है 400 किलोमीटर का 4 लेन का काम पूरा हुआ है 50 किलोमीटर का काम केवल वाइल्ड लाइफ के कारण अभी अटका गया है जल्दी ही उसका डीपीआर तैयार करके उसको भी हम पूरा करेंगे। रांची से संबलपुर 4 लेन का इकोनॉमिक कॉरिडोर हम बना रहे हैं जिसकी कीमत 6300 करोड़ रुपए है 280 किलोमीटर जिसका भी डीपीआर पूरा हुआ है और चुनाव के बाद उसके भी कार्य का शुभारंभ होगा ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।